कपास की फसल के बीच गांजे के 430 पौधे बो रखे थे। मुखबिर की सूचना पर धर्मपुरी पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए मौके पर पहुंचकर जड़ से उखाड़ पौधे जब्त कर लिए हैं। हम आपको बता दें कि धर्मपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम लावड़ी निवासी ने अपने भोलियापुरा मजरे स्थित खेत में कपास की फसल के बीच में अवैध रूप से गांजे की फसल बो रखी थी। मुखबिर से सूचना पर पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के निर्देश पर स्थानीय थाने के पुलिस स्टाफ ने तत्परता दिखाते हुए कार्यवाही की। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्यवाही करते हुए खेत के भीतर से 430 गांजे के छोटे बड़े पौधों को उखाड़ कर जब्त किया है। धर्मपुरी से सुनील वास्कले की रिपोर्ट। थाना धर्मपुरी। पटेदार जी, मुझे बताया कि आज गांजे पौधे पर कार्रवाई की गई, क्या कुछ कार्रवाई है? आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक धार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धार के निर्देशन में श्रीमान एसडीओपी महोदय मनावर के नेतृत्व में थाना धर्मपुरी के पुलिस स्टाफ को आज मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर ग्राम लवाड़ी में गिरधारी पिता राजाराम कटारे निवासी लवाणी के खेत पर पहुंचे। वहां पर पंचानों के समक्ष गांजे के पौधे करीब 430 लगे थे, जिनको उखाड़े और पंचानों के समक्ष जब्त किए, जिनकी अनुमानित लागत 4,68,000 रुपये है। सर, आरोपियों की गिरफ्तारी हुई क्या? आरोपी फरार है। कितने के आरोपी बनाए गए? आरोपी अभी खेत मालिक गिरधारी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।